हे वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं प्रोबेबली ड्रीम इलेवन बेस्ट टीम बताने जा रहा हूँ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड टेस्ट के लिए। स्टे अपडेटेड प्लीज। सो निरेशन डिकवेला और वर्धमान शाह, मेरे ख्याल से तो निरेशन डिकवेला अच्छा रहेगा क्योंकि उसको 2 बार बैटिंग आएगी अगर सेकंड टेस्ट जैसा मैच हुआ तो। निरेशन डिकवेला को लेना चाहूँगा मैं क्योंकि उसको 2 बार बैटिंग आ सकती है, वर्धमान शाह को 1 बार भी नहीं आ सकती, ऐसा भी हो सकता है। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में, चेतेश्वर पुजारा अच्छे फॉर्म में, वो दोनों तो कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद मैं लेना चाहूँगा करुणा रत्ने को, जो 2 टेस्ट में नहीं अच्छा है लेकिन उनकी काबिलियत देखते हुए करुणा रत्ने को लेना चाहूँगा मैं। और प्रोबेबली शिखर धवन राहुल के जगह आ सकते हैं इस टेस्ट में क्योंकि मैच दिल्ली में है, सो मोस्ट चांसेस है कि शिखर धवन आ सकते हैं टीम में। सो अभी हम एक बैट्समैन बाद में लेंगे, उसके पहले हम एज यूजुअल दिल्ली की पेज हमेशा की तरह स्पिनिंग के लिए स्पिनिंग पिच रहेगी और स्पिनर ज़्यादातर विकेट लेंगे, इसलिए रविचंद्रन अश्विन और रविचंद्रन अश्विन अच्छा रहेगा, रविंद्र जडेजा भी अच्छा रहेगा। उसके बाद अभी आप सब लोगों को तो पता होगा कि रंगना हेरत इस टेस्ट में नहीं खेलेंगे, इसकी रंगना हेरत की जगह जेम्स वेंडरसे को उन्होंने बुलाया है, सो वो रंगना हेरत की जगह खेलेगा। और ईशांत शर्मा भी अच्छी बॉलिंग किया है, और ईशांत शर्मा भी दिल्ली का है, उसको पिच पता होगी पूरी तरह से, वो भी दिल्ली बॉय है, इसलिए ईशांत शर्मा को भी मैं लेना चाहूँगा। और उसके बाद लकमल, सो अभी एक बैट्समैन लेना चाहेंगे या एक ऑलराउंडर इसकी ज़रा बैट्समैन लेंगे, वो भी इंडिया के लेंगे क्योंकि इंडिया की बैटिंग अच्छी फॉर्म में चल रही है, इसलिए आई एम गोइंग विद द मुरली विजय। और ज़्यादातर आज रोहित शर्मा के चांसेस कम है खेलने के लिए। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन आई विल चूज बिटवीन द विराट कोहली एंड चेतेश्वर पुजारा बिकॉज बोथ आर इन गुड फॉर्म्स। सो अभी विराट कोहली को कैप्टन बनाते हैं और ये मैच दिल्ली में है और वन ब्रेक भी लिया है शिखर धवन ने, इसलिए आई एम गोइंग